नमस्कार, विद्यासागर आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर अमित कुमार आज आपको डेंगू के बारे में बताऊंगा। वैसे तो ये लाखों लोगों को होता है और हजारों लोगों की इसमें मौत भी होती है, लेकिन अगर इसको ध्यान से करा जाए, इसका इलाज किया जाए, तो 100% ये ठीक भी हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि परेशान मत हो, आयुर्वेद में बहुत अच्छा 100% ट्रीटमेंट है इसका। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये डेंगू मच्छर के काटने से होता है, ये सबको पता है। दूसरा हम ये कहेंगे कि डेंगू से बचाव के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। डेंगू से बचाव के लिए हम कोशिश करें फुल बॉडी में कपड़ों को ढक के रखें। दूसरा, सरसों के तेल की पूरे बॉडी पे मसाज करें। उससे क्या होगा, मच्छर आपको नहीं काटेंगे। अगर मच्छर काटेगा भी तो वो असर नहीं हो पाएगा। तीसरा, अगर मान लीजिए हो भी जाए तो उसमें हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं और इसका क्या सिम्टम्स है। इसका सिम्टम्स है सिर में, शरीर में, मांसपेशियों में तेज़ दर्दें होने लग जाती हैं, तेज़ बुखार आता है, और इसका बुखार लगभग 101 से 106 तक भी होता है। बाद में बुखार कम हो जाता है, लेकिन रैशेज पूरे बॉडी पे हो जाते हैं। इसके बाद उल्टी आने लग जाती है पेशेंट को, और बुखार से पेशेंट परेशान होता है। शरीर में पानी की कमी तेज़ी से होती रहती है, प्लेटलेट्स तेज़ी से डाउन होता रहता है। तो इसलिए मैं इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आयुर्वेद पे थोड़ा सा ध्यान दे के आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पपीते के पत्ते लगभग मान के चलिए कि एक पत्ता, और चिरायता नेपाली लगभग 5 ग्राम, गिलोया 5 ग्राम, और इनको एक गिलास पानी में डालकर काढ़ा बनाए। जब उबल उबल के पानी चौथाई गिलास रह जाए, पेशेंट को छान के थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। किसी को अगर मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा उसमें ज़रूरत अनुसार चीनी भी मिला के पिला सकते हैं। ये तो आयुर्वेद में औषधि हो गई। अब पेशेंट को खान देखभाल कैसे करनी है, जब तेज़ बुखार आए तो ठंडी पट्टियाँ रखें माथे पे। दूसरा, खाने के लिए उसे क्या दें, खाने के लिए दलिया, खिचड़ी, पतली से पतली दलिया, पतली से पतली खिचड़ी, साबूदाना दूध में बना के दे सकते हैं। इसके बाद मूंग की दाल ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, अनार का रस दे सकते हैं। पानी को उबाल के रख लें, सारा दिन वो पानी पिलाएं पेशेंट को। उस पानी में, एक गिलास पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज भी डाल के दे सकते हैं पेशेंट को, हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे। जो मैंने आपको काढ़ा बताया वो काढ़ा हर 4 घंटे पे जरूर दें। ज़रूरत अनुसार अगर ज़रूरत लगे तो उसमें पैरासीटामोल भी आप साथ में दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर उल्टियाँ आ रही हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे फीवर होता है तो लीवर पे इन्फेक्शन और सूजन दोनों हो जाते हैं, तो उसमें हम गर्म पानी बोतल में डाल के सिकाई भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर में पेशेंट को नींबू वाली चाय भी दे सकते हैं। नींबू वाली चाय का तरीका ये, पत्ती, चीनी और पानी एक साथ उबाल लिया जाए, नीचे उतार के जब ठंडा हो जाए उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। और दूसरा तरीका है, नींबू को काट के कटे हुए हिस्से में थोड़ा सा गर्म करके उसमें काला नमक, काली मिर्च का पाउडर मिला के लगा के पेशेंट को चाटने के लिए दें, तो इससे बुखार में काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद।